नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक नई वार्डरोब दिखाते हैं। एल शेप के अंदर हमने वार्डरोब बनाई भी है अपनी। ये प्लीज एंटर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको लास्ट से लेकर चलता हूँ। ये एल शेप का बिल्कुल कोना है, ब्लाइंड कॉर्नर। ये हमारा कॉर्नर है, अंदर तक जा रहा है। इस टाइप से हमने यूज किया हुआ है, इसे ब्लाइंड कॉर्नर इसे बोलते हैं। थोड़ा अंदर से देखिए जाके कैसा है, कहाँ तक यूज हो रहा है ये। इसके अंदर सारी शेल्फें लगी हुई हैं जो कि हमारे कस्टमर की डिमांड थी। जिस टाइप से आप कहेंगे उस टाइप से बन जाएगा। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है हमारा। छोटी सी शेल्फें इसके अंदर लगाई हैं, जो ये इस वुडन की है, और ये सारी शेल्फें SS की है। इसका कारकस भी SS का है। पल्ले इसके वुड की है, HDHMR बोर्ड विथ मेम्ब्रेन फिनिश। ये मेम्ब्रेन का फिनिश है जो भी अपनी है, बहुत ही बेहतरीन है। एक्सेंट ऐसा का हम लोग बोर्ड यूज करते हैं। आते हैं सेकंड पे, साइड पे। हैंगिंग रॉड, SS का कैबिनेट्स, पल्ले अपने वुड के, एक्सेंट ऐसा। अब बात करते हैं ड्रॉर्स की। इसके अंदर एक लॉक लगाया हुआ है हमने ड्रॉर के अंदर। सॉफ्ट क्लोजिंग साइलेंस, इसकी लॉक भी है, इसको लॉक कर दीजिए वापस। इसमें लॉक नहीं है, जो कि कस्टमर की डिमांड है। ये आपकी चॉइस है, आपने कैसे करवाना है कैसे नहीं करवाना है। अब इसको क्लोज करते हैं। नीचे हमारा शू रैक, इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसको शू रैक बोलते हैं। इसके अंदर हमने ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है ये, ताकि अपना सामान जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे। ये भी देखिए कितना सॉफ्ट एंड सॉलिड है। हैंगिंग रॉड विद रफ टू शेल्फ्स, जैसा कि आप देखते हैं वार्डरोब के अंदर डबल पल्ले होते हैं। उस पल्ले के अंदर एक चटकनी लगा जाता है, दूसरा पल्ला आराम से बंद हो सके। इसको चटकनी लगा के बंद किया, देन इसको बंद करने के बाद लॉक कर दिया। अभी पूरी तरह से लॉक हो चुका। चलते हैं थर्ड वार्डरोब साइड में। इसमें भी कुछ इसी तरह का है, जैसे हैंगिंग रॉड, दो ड्रॉर, एक में लॉक है एक में नहीं है। नीचे स्टोरेज है अपना, मैं आपको ड्रॉर खोल के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट ड्रॉर और ये लॉक है सेकंड ड्रॉर। कितने प्यार से सॉफ्ट बंद हो रहा है। इसके बाद हम इसे लॉक करके रखेंगे वापस। इसकी चुटकनी बंद कर देंगे अंदर से। अगेन आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसका, बहुत ही बेहतरीन लग रही है देखने में। अंदर से ड्रॉर है वो भी स्टेनलेस स्टील के हैं, कंप्लीट SS। इसके अंदर दीमक नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। तो लोग पे ज्यादा दीमक लगता भी नहीं है, और वैसे ही HDHMR हमने यूज किया है। एक्सेंट टेसा का, इसकी भी बहुत अच्छी गारंटी वारंटी है, तो इसमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है। मेम्ब्रेन की फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी, बैंडिंग के ऊपर भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।